ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर से। रात के 10 बज चुके हैं और तीन गाड़ियां आपस में कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर भिड़ जाती हैं, जिसमें एक एम्बुलेंस है, एक ऑल्टो गाड़ी है और तीसरी जो गाड़ी है शायद वो ब्रीजा गाड़ी है। और आप देख सकते हैं तीन गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं, तीनों के नंबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तीनों गाड़ियां फिलहाल आप देख सकते हैं उस सड़क पर खड़ी हैं जो रास्ता कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से सेक्टर 12 की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में अव्यवस्था जरूर फैल रही है। हालांकि रात के 10 बजे हैं, ज़्यादा गाड़ियां इस समय नहीं चलती हैं, लेकिन लोगों का जमावड़ा जरूर सड़क पर देखने को मिल रहा है, हॉस्पिटल के बाहर देखने को मिल रहा है। ये ब्रेजा गाड़ी आप देख सकते हैं, HR08AA1866। ये गाड़ी आगे से पूरी तरह से डैमेज हो गई है। एम्बुलेंस हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस का जो नंबर है HR45C8881। ये गाड़ी भी साइड से डैमेज हुई है। तीसरी गाड़ी है ऑल्टो गाड़ी भी डैमेज हो गई है, पीछे से इसकी नंबर प्लेट टूट चुकी है, पीछे से डैमेज हुई है, साथ ही साथ आगे से भी ये गाड़ी डैमेज हुई है। और गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं HR05V6735। और तीनों गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं। आप क्या चला रहे थे? मैं एम्बुलेंस चला रहा था। क्या हुआ था? बुरी बात बताइए। हाँ, पूरी बात सर ये है, एम्बुलेंस आ रही थी पेशेंट लेने के कल्पना चावला मेन गेट, आप देख सकते हो जा रही है अंदर, उस साइड से ये गाड़ी आ रही है ये दोनों, तो अचानक ही इस गाड़ी ये देख लो आपके सामने टकराई हुई है, तो पीछे से आवाज ही आई एकदम लगने की सीधा ही। ये गाड़ी ओवर स्पीड थी, दोनों पिछले के पास लाइसेंस नहीं है, पीछे ब्रेजा गाड़ी वाले के पास जो ड्राइव कर रहा है, दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। इन दो मतलब कि ये तो आप देखो जी, पीछे वाली इसमें लगी होगी, ये वाली एम्बुलेंस में लगी है, जैसे भी लगी आपके सामने है, पिछले वाली गाड़ी के पास लाइसेंस नहीं है जो ड्राइव कर रहा है उसको, और इस गाड़ी के पास भी चेक कर लो जो ड्राइवर है उसके पास भी, साइड वाली जगह छोड़ दीजिए भैया, जो इस गाड़ी में है उसका भी अभी देख लेंगे, कौन है ड्राइवर भाई, लाइसेंस दिखा दे इसका भी, उसके पास तो लाइसेंस बिल्कुल श्योर है नहीं है ब्रेजा वाले के पास। आपकी एम्बुलेंस में जो वो था पेशेंट था उसे हॉस्पिटल में? नो सर, पेशेंट नहीं है, खाली गाड़ी थी, बिल्कुल पेशेंट लेने जा रही थी अंदर इमरजेंसी, डायलिंग देख सकते हो नंबर है मोबाइल में, तो ये ओवर स्पीड थे दोनों गाड़ियां, ये आपके सामने जो एक्सीडेंट कर रखा है देख लो आपके सामने। तो ये हादसा हुआ है कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर। ये गाड़ी कौन चला रहा था? कौन है ड्राइवर इसका? तो आप देख सकते हैं एक ऑल्टो गाड़ी है, एक एम्बुलेंस है और तीसरी गाड़ी ब्रेजा है। ब्रेजा गाड़ी जो चला रहे थे उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बारिश का समय है, कई बार हादसे जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई नेशनल हाईवे हो या फिर कोई स्टेट हाईवे हो, लेकिन अब इन सड़क पर भी इस तरीके से अगर हादसे होंगे और समय रहते अगर इन गाड़ियों को साइड नहीं किया जाएगा तो फिर और हादसे भी हो सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ पता चला था? आप भी आसपास रहते हैं? नहीं जी, मैं तब ही आया। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं और अपनी गाड़ी साइड करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरीके से हादसा हुआ है कहीं ना कहीं किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी है? किसी को लगी? कोई चोट लगी सर, किसी को भी चोट नहीं, बचाव हो गया। तीनों गाड़ियों में कोई ना कोई, तीनों गाड़ियों में कोई ना कोई था, दो मेंबर्स हैं, बाद में आया सर मुझे कंफर्म नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हादसा हुआ है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर, और आप देख सकते हैं एक गाड़ी ब्रेजा है, एक गाड़ी ऑल्टो है, एक गाड़ी एम्बुलेंस है, और फिलहाल आप देख सकते हैं ऑल्टो का ड्राइवर ये आप चला रहे थे भैया? हाँ जी। कैसे हुआ हादसा? सर ये एम्बुलेंस साइड से आ रही थी, मैं डिपर दे रहा था, मेरी गाड़ी जमीन दिन में से थी, मैं साइड काट रहा था तो इसकी बहुत ही तेज गति से चल रही थी। कौन सी? ब्रेजा वाली। इन्हें अंधी ठौकी, बोला ये क्या कर रहा, इसने बोला ऐसे। अच्छा। मैं बोला भाई देख, मैंने डिपर भी दे रखा और ये भी आराम से चल रहा था, मैं भी आराम से चल रहा था उस साइड, ना डिपर दे रखे उस साइड, रास्ता देख लो एक बार कितना पड़ा पीछे से, बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी थी, ब्रेजा गाड़ी ने मेरे में ठोकी, मेरी इस गाड़ी में लगी, मेरी जमी पहले के गेर में थी, बस यही है। तो सब सुरक्षित है आपकी गाड़ी? गाड़ी का सुरक्षा जी सब हो, उससे ले जी। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेजा गाड़ी है जो आगे से पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। फिलहाल हमने एम्बुलेंस के जो चालक हैं
उनसे भी बात की है, जो ऑल्टो चला रहे थे उनके चालक से भी बात की है, और जो ब्रेजा गाड़ी चला रहे थे उनके चालक से भी बात की है। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो हादसा हुआ है वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर हुआ है। HR08AA1866 ये गाड़ी आगे से डैमेज हो गया है। आप भी गाड़ी में बैठे थे? गाड़ी में चला रहा था जी। आप भी चला रहे थे? कैसे हुआ हादसा? इन्होंने आगे ब्रेक मारा जी गाड़ी का, ऑल्टो गाड़ी का एकदम। अब थोड़ी नजदीक थी, ये भी भिड़ गई एकदम इसमें। अब अचानक को ब्रेक एकदम मारेगा, बिल्कुल जाम कर देगा गाड़ी को, तो साथ में एकदम भिड़ेगी जी। कोई गाड़ी तेज थी तीनों में से? तेज कोई नहीं थी जी, तेज कोई नहीं थी, हल्की गाड़ी थी वो। आगे से वही उन्होंने तुरंत ब्रेक मारा, तुरंत एकदम भिड़ गई इसमें से। कितने गाड़ी में लोग? कितने सवार? दो ही लोग थे। दो? आप चला रहे थे या ये चला रहे थे? नहीं सर, ये इतने आदमी झूठ बोल रहे हैं सर। ये सर, ये 100 आदमी खड़े, किसी मर्जी बोल, ये ड्राइव कर रहे थे गाड़ी यार। फोन काट दो, बाद में बात करिए। सर मेरी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी चला रहे थे, इनकी अजूला होगा चोरी। सुनो सर, ना मुझे गाड़ी चलानी आती, गाड़ी चला रहे थे, ना मुझे गाड़ी आती। आप ड्रिंक कर रखी है अपने, थोड़ा फोन किया है पुलिस को, फोन किया है 112 सर, इनकी गाड़ी है, ये ड्राइवरी कर रहे थे, मैंने कर रहे, लेकिन अल्टो वाले ने ब्रेक मारे, एम्बुलेंस वाले ने वहां से गाड़ी काटी, मैं तुरंत अपने फोन पे लगा हुआ था। ठीक है सर, गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात कर रहे थे? सुनो, मैं कनेक्टर साइड में था सर, ड्राइवरी कर रहे थे, मैं अपने फोन पे लगा हुआ था। ठीक है सर, इनके फोन से मेरी बात हुई थी, ड्राइवरी कर रहे थे, लेकिन मैंने जब गाड़ी लगी, जब इन्होंने हड्डी पर दिया हुआ था, आगे से एम्बुलेंस ने मारा कट, इन्होंने ब्रेक मारे, तब जाके मारी गाड़ी इसके बीच में लगी सर, आगे पीछे गाड़ी हुई, तब ड्राइवर चला रहे थे। अभी देख लिए कैमरे के सामने है, सुनो अभी कैमरे के सामने यार, मैं सर फुटेज भी निकलेगी सीसीटीवी की, कोई बात नहीं सर, स्टीयरिंग बैठे भाई फिर से आप बिला लियो अपना, कोई बात नहीं, इस चीज के हम चोर हैं, बोला दीपी मैंने ना गाड़ी चलाने आती, तेज रफ्तार में थी गाड़ी, नहीं सर तेज रफ्तार में, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं सर, सुनो सर सबसे तेज रफ्तार में ये बिल्कुल भी सर, बात सुनो, 12 सेक्टर से हमारे मेले काम है, 12 सेक्टर से सुनो भाई एक मिनट, 12 सेक्टर से हमने 13 सेक्टर में भी एप्लीकेशन भी कराई, 12 सेक्टर से हमारा 14 लाख रुपए का जुल्ला चोरी हो गया, अभी हमने देहरादून के लिए गाड़ी निकली है, हमें अभी 13 सेक्टर में एप्लीकेशन कराई है, हम दोनों भाई चले, हमारा पार्टनर आगे बैठा हुआ, 13 सेक्टर में जाके आप चेकिंग कर सकते हो, जुल्ला में जाएगा नहीं, बिल्कुल ठोकता जाएगा तू, तेरा जुल्ला चोरी हो गया, हमारे ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं, नहीं स्लो गाड़ी सर, गाड़ी से कितना गति की तूने सर, तो खुद देख ले कितना नुकसान हमारा, बिल्कुल गाड़ी का जब गाड़ी वाले ब्रेक मार, सुनो बात एकदम नॉर्मल गाड़ी थी, नॉर्मल गाड़ी थी, हम यही नहीं हो पा रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा था ये वाला, ये सर ये इतने आदमी खड़े सर, ये सर ये ना मुझे ड्राइवरी आती और ना मुझे कुछ लाइसेंस नहीं है तेरे पास, ड्राइवरी ये कर रहा था, मैंने ड्राइवरी आती नहीं। आप देख सकते हैं 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, ये टीम जिसका इंतजार रहता है कोई भी हादसा होता है, कोई भी वारदात होती है, क्योंकि आता है हादसा में तीन गाड़ियां आपस में भिड़ जाती है, निकाल ले।